राहुल गांधी इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, वहां की तस्वीर। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज इसमें, दो फुटनोट्स हमें मिले, एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डायवर्जन टैक्टिक है। डायवर्जन किस चीज से हो रहा है? डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है, यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है,
देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को, ये जो दो पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं। यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। हाँ जी, अंग्रेजी में कह देता हूं, द बीजेपी केम अप विद द आइडिया ऑफ अ स्पेशल सेशन, वी अप्रिशिएटेड दैट आइडिया विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर एंड पॉम्प, वी मूव फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग टू द न्यू बिल्डिंग, द प्राइम मिनिस्टर इन अ वेरी ड्रामेटिक जेस्चर कैरीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग टू द न्यू बिल्डिंग, एंड ही सेड that he is passing a very important law, and we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today. It's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now. So this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. The question is, what are they moving away from? And the answer is the caste census. And I'd like to explain why. In my research for my speech, I looked at how many officers in the government of India, the senior most officers are secretaries, how many secretaries in the government of India come from the OBC community, how many come from the Dalit community, how many come from the tribal community. And I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India, sorry, 3 officers in the government of India secretary level are OBC first. And then I asked another question, what budget do they control? And they control 5% of the budget. OBCs, Dalits, tribals, all put together, control 6% of the budget. Tribals control 0.1 something of the budget. So this is a shocking finding. And I said this in parliament. My point being that are the OBCs 5% of India? Is that the amount of participation we want?